आतंकवाद और हिजाब के सहारे सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर रहा, तो वहीं बुलडोजर और सांड के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया। विपक्ष ने बुलडोजर और सांड को हथियार बनाया और हिजाब और आतंकवाद के सहारे सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरा। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डलवाने के लिए सीधे सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है। भारत के संविधान में इस बात की इजाजत देता है कि एक मुस्लिम बच्ची महिला हिजाब और निकाब अगर पहनेगी तब भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह। याद रखो, हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम में पंडित था, तब भी वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? ये समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अगर जानवर के मारने से, सांड के सींग के मारने से अगर किसी की भी जान गई होगी तो सरकार से 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने काम करेंगे। आज उनके प्रॉपर्टी पर यदि बुलडोजर कोई चलवा रहा है तो योगी सरकार चला रहा है मित्रों, और जेल में रहते हुए लोग डरते हैं, जमानत खारिज करवा के जेल में रहते हैं और डरते हैं कोर्ट जाने में तारीख के दिन कि मेरी गाड़ी न पलट जाए किसी दिन।